वैक्सीन से जुड़े हुए 6 अपडेट्स आपके साथ ही वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो मिस मत करना, वीडियो को पूरा जरूर से देखें, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड एंटीबॉडी टेस्ट, और आपको ये टेस्ट जरूर से करवाना चाहिए जानने के लिए कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है या नहीं। बुक करने के लिए लिंक आपको 10% डिस्काउंट के साथ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मतलब ये निकलता है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है जो आपको प्रोटेक्शन देगी 5 से लेकर 7 महीने तक। बुक कर लो, फ्री में सैंपल कलेक्ट होगा घर से एंड विद इन 48 आवर्स आपको ईमेल पर रिजल्ट भी मिल जाएगा। पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो उनकी वैक्सीन ड्राइव है वो डिले नहीं होगी, जुलाई अगस्त तक वो जो है एम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का वो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे चीज ये हो रही है कि जो सेक है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी वो डिनाई कर रही है कि हम जो है ना वो फेवर में नहीं है SIIN भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी ग्रांट देने की। अब देखते आने वाले समय में एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे सेक के पास कोई पावर नहीं होता है, सेक जो है वो DGCI के अंडर आती एक कमेटी है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो DGCI ही लेता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है सेकंड कोरोना वैक्सीन अप्रूवल के साथ। यहाँ पे 17th of December फ्राइडे के दिन जो है मॉडर्ना कंपनी का रिव्यू होगा USFDA द्वारा, तो यहाँ पे उसी दिन जो है ये वैक्सीन भी अप्रूव हो सकती है क्योंकि ये भी है 95% के आसपास एफिशिएंसी वाली वैक्सीन, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत यहाँ पे आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो जुड़ा हुआ है ब्राज़ील के साथ। यहाँ पे ब्राज़ील जो है उनका ये कहना है कि चाइना का जो हेल्थ रेगुलेटरी बोर्ड है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है ताकि हमें पता ही नहीं चला कि उन्हें किस तरह का COVID-19 इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया हुआ है, और वो सही बात है, कहीं पर भी चाइना जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो एक और चीज़ बिहार से आ रही है। बिहार का ये कहना है कि वहाँ पर वैक्सीन जो है सबको फ्री में मिलेगी। यहाँ पे भाई वैक्सीन सारे स्टेट्स में फ्री में मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी या फिर तेलंगाना में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो जुड़ा हुआ है फाइजर के साथ। फाइजर को USFDA अप्रूवल तो फाइनली मिल चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो शायद से नेक्स्ट वीक जो है वो ये वैक्सीन को अप्रूव करेगा। लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जुड़ा हुआ है इंडिया के कोल्ड चेन सप्लाई के साथ। यहाँ पे एक ऑफिशियल ने शेयर करते हुए कहा है कि वैक्सीन प्लान के लिए जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसमें 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, 41,000 डीप फ्रीजर्स को इंक्लूड किया गया है। नंबर ज़्यादा है कम है वो वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा। आशा रखता हूँ आज का ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।